हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। हूँ मुकेश चौधरी, आपके लिए आया हूँ 3 BHK अपार्टमेंट के यहाँ पे बिल्डिंग लेके आया हूँ, जिसके अंदर 3 BHK के जो है यहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं। आगे और पीछे की तरफ दो दो फ्लैट एक पोर्शन में यहाँ पे बने हुए हैं। साथ साथ में अगर अपन बात करते हैं लोकेशन के बारे में, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो एक बार कैमरामैन जी, एक बार पीछे बिल्डिंग का लुक दिखाइए, यहाँ पे कितना शानदार जो है, यहाँ दो भागों में यहाँ पे डिवाइड करके जो है बनाया गया है बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा। जो सामने की तरफ से अगर फ्रंट एलिवेशन की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत अच्छा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लोकेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये लोकेशन जो है वो चौरड़िया सिटी के अंदर लोकेशन है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी इसको बोलते हैं। अगर बात करें अजमेर रोड से तो अजमेर रोड से ये लगभग 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपको जो है पड़ेगा। साथ साथ में अगर बात करते हैं 200 फुट बाईपास की तो 4 से 5 किलोमीटर यहाँ पे आपको ये पड़ेगा। रेलवे स्टेशन की अगर बात करते हैं तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर आपको ये पड़ेगा। तो इसमें अपन 3 BHK का टूर करेंगे। दो टाइप के 3 BHK बने हुए हैं, सामने वाला जो है वो 1150 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, पीछे वाला जो है 1250 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो अपन एक बार 1250 स्क्वायर फीट वाले 3 BHK का टूर करने वाले हैं। तो आइए कैमरा जी, एक बार हम टूर कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करने वाले 3 BHK का टूर। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 BHK के फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें दो साइज 1150 और 1250 स्क्वायर फीट की यहाँ पे साइज आपको देखने को मिलेगी। अपन जो टूर कर रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट वाले का टूर कर रहे हैं। तो आइए कैमरा जी, एक बार अपन यहाँ का टूर कर लेते हैं। तो जैसे अपन एंटर होते हैं यहाँ पे डाइनिंग और ड्राइंग एरिया आपको दिखाई देता है, जो कि सफिशियंट स्पेस, बहुत अच्छा खासा स्पेस जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार दिखाइए एक बार कैमरामैन जी, स्पेस जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्पेस जो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं अपन, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वॉलपेपर, जिसका काम भी बहुत खूबसूरत, मतलब डिसेंट काम जो है वो किया गया है। इसका बहुत प्यारा लुक यहाँ पे दे रहा देखने को आपको मिल रहा है। इधर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे टीवी कैबिनेट आपको देखने को मिल जाता है, इसमें वुडन का काम किया गया। साथ साथ में लाइटिंग का बहुत अच्छा काम यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा काम यहाँ पे लाइटिंग का किया गया है। साथ साथ में हॉल से जुड़ी हुई अपन देखते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बेडरूम की साइज़ की बात करें तो लगभग 10x12 के आसपास की बेडरूम की साइज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इधर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे अपन वॉलपेपर का जो काम हुआ भी बहुत है यहाँ पे खूबसूरत आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में इधर की बात करें तो यहाँ पे कवर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें लकड़ी का यहाँ पे काम किया गया है। डबल साइड में ये बनी हुई है नीचे और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। इधर की तरफ हम देखते हैं इस रूम के अंदर, तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो प्रॉपर यहाँ पे बालकनी की तरफ आपका विंडो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर अपन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई थी आपको, एक बार हाईलाइट में कर देता हूँ दोबारा, एक बार फॉल सीलिंग का काम दिखाइए ऊपर, एक बार कैमरामैन जी ऊपर की तरफ, कितना प्यारा यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया है, बहुत अच्छा लुक यहाँ पे देखने को जो है मेरे को मिल रहा है। फिर अपन इधर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको किचन का स्पेस मिल जाता है, जो स्पेस भी सफिशियंट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये वुडन का काम किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम मेरे को देखने को मिल रहा है। इधर सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल जाती है, ऊपर की तरफ आप एग्जॉस्ट वहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो सफोकेशन और वेंटिलेशन के लिए, मतलब सफोकेशन ना हो और वेंटिलेशन बना रहे, इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मॉड्यूलर किचन का नज़ारा देख जो है आप देख रहे थे यहाँ पे, अब अपन देखते हैं इधर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हैंड वॉश के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, जिसमें टाइल्स का यहाँ पर देखें अपन काम, बहुत अच्छा काम यहाँ पे टाइल्स का मेरे को देखने को मिल रहा है। फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन टॉयलेट जो है इसमें लगाया गया है वॉशरूम के अंदर, एक बार अंदर से थोड़ा दिखा दीजिए। टाइल्स वगैरह का काम भी एक बार जो है यहाँ पे आप दिखा दीजिए, प्रॉपर यहाँ पे काम किया गया है। फिर अपन इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा जो है बेडरूम देखेंगे, मास्टर बेडरूम जो है ये है। यहाँ की फॉल सीलिंग की बात करते हैं, एक बार कैमरामैन जी एक बार ऊपर फॉल सीलिंग का काम दिखाइए, बहुत अच्छा है यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ बात करें तो वॉलपेपर का काम यहाँ पे किया गया है, जो भी बहुत खूबसूरत काम यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। इधर देखते हैं फिर यहाँ पे कवर्स जो है यहाँ पे दी गई है, जिसका स्पेस जो है वो सफिशियंट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डबल जो है साइज़ में यहाँ पे दी गई है ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए एक छोटी विंडो यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर पीछे की तरफ देखते हैं अपन यहाँ, तो बालकनी का स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वॉशेबल एरिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पानी के लिए जो है पॉइंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ देख आपको नज़ारा दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए एक बार, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे बसावट आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर यहाँ पे चारों तरफ बसावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बार अपन अभी तक अपन ने देखा कि दो बेडरूम देखे, तो तीसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो चलिए कैमरामैन जी, एक बार अपन तीसरा बेडरूम भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आइए एक बार, तो यहाँ पे तीसरा बेडरूम अपन देख रहे हैं, बेडरूम की साइज हुई लगभग 10x12 के आसपास मेरे को देखने को मिल रही है। सामने की तरफ वॉलपेपर का काम इसमें थोड़ा डिफरेंट किया गया है, लेकिन खूबसूरत बहुत डिसेंट लुक यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एसी फिटिंग की बात करूँ तो प्रॉपर हर जगह जहाँ एसी फिटिंग की जरूरत थी वहाँ पर मिल जाएगी। इस रूम में भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पे भी बालकनी आपको दी गई है, जो कि फ्रंट में भी आपको यहाँ पे फेसिंग करती है, यानी कि दो बालकनी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस 3 BHK के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने देखा इसके अंदर कि यहाँ पे तीन बेडरूम यहाँ पे अपन देखने को मिला,
तीन बेडरूम, दो बेडरूम के अंदर बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। लेट बाथ आपको, वॉशरूम आपको दो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्पेस की बात करें तो 1250 square feet में ये बना हुआ है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। रेट की अगर बात करें तो 28 लाख रुपये इसकी रेट रखी गई है। चोरडिया सिटी के अंदर ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के अंदर ये बना हुआ है। बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हो, जान सकते हैं कहाँ कैसे विजिट इसकी की जा सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।